हेलो माय डियर फ्रेंड, माय फैमिली, होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड एंजॉयिंग योर लाइफ। वेलकम टू माय चैनल द सन टैरो 7777। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो आपको जानने की ज़रूरत है। तो क्या कुछ गुड विशेज आपकी तरफ आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आपके एंसेस्टर एंजल्स आपको देना चाहते हैं, वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगी, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर शो कर दिया है। और अगर कोई भी नंबर आपको देता है तो वो फ्रॉड है, क्योंकि मैं कोई भी नंबर अपने चैनल पर नहीं देती हूँ, ठीक है। ये जो आपकी रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, जेंडरलेस रीडिंग होगी और जनरल रीडिंग होगी, तो बिल्कुल ओपन माइंडेड होकर देखना है। साथ साथ मेल, फीमेल, फर्स्ट मैरिज, सेकेंड मैरिज, थर्ड मैरिज सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। सो पाइल सिलेक्शन कैसे करना है मैं आपको बता देती हूँ। जिनका भी बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है किसी भी मंथ में, ठीक है, तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। मैं आपको पॉज करके भी दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेकर आप जो है कार्ड या फिर पाइल को सेलेक्ट करके देख पाओ, ठीक है। पाइल 2 16 से 31 अगर आपका बर्थडे पड़ता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होने वाली है, ओके। एंड कार्ड है आपका लॉर्ड शिवा का कार्ड है फॉर पाइल 1, ओके। एंड पाइल 2 है आपका काली माँ का कार्ड है, दिस इज़ फॉर पाइल 2, ठीक है। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे, लॉर्ड शिवा के कार्ड को, या फिर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता होगा किसी भी मंथ में, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या कुछ होने वाला है आपके लाइफ में, ठीक है, ऐसा क्या होने वाला है जो आपको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल डे के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, ठीक है। आप लोग किसी भी टॉपिक पर, शादी हो या करियर हो, रिलेशनशिप हो, किसी पर भी आप लोग अपनी रीडिंग दे सकते हो। देखिए यहाँ पर एंजल्स कहना चाहते हैं बी असर्टिव का कार्ड आया है, अबंडेंस का कार्ड आया है, दैट्स ग्रेट। और दो मैं कार्ड्स लूँगी, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी कि क्या कुछ आपके लाइफ में आने वाला है। रिमेन पॉजिटिव, ठीक है, और कैसे आपको बिहेव करना है, ओके, यू आर रेडी। देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों ने अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम झेले हैं अब वो काफ़ी जल्दी आपके लाइफ में ख़त्म होने वाली है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होने लगा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अंदर से फील होने लगा होगा जो भी आप वीडियोज़ देख रहे हैं, अब जो है आपके ये कठिनाई, ये चैलेंजेस ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। किस किस को ऐसा फील होता है कि अब मेरी मुसीबतें, मेरे चैलेंजेस भगवान जो है अब ख़त्म करने वाले हैं, और आप इसी वजह से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी दिखाई दे रहे हो आगे आने वाले टाइम में। और बहुत सारे लोग अभी भी दिखाई पड़ रहे हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, एंड इसके वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ पर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्या आ रही है, अबंडेंस आ रही है। देन क्या एंजल्स कहना चाहते हैं, देन यहाँ पे ओ माय गॉड दैट्स ग्रेट, यहाँ पे रोमांस का कार्ड है जिसके थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लव लाइफ में अगर रोमांस की कमी थी, प्यार नहीं था, तो ऐसा दिखाई दे रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी रियूनियन भी होगी, और साथ साथ आपके जो पर्सन जो आपकी कदर नहीं करते थे, वैल्यू नहीं करते थे, ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके साथ रोमांटिक कनेक्शन फिर से शुरू हो रहा है। एंड बहुत सारे लोग जो अकेले हो, रिलेशनशिप में नहीं हो, ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे बी आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन इंटर कर सकता है जो कि काफ़ी रोमांटिक रिलेशनशिप आपको देगा, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल प्रपोजल आपके सामने रखेगा या रखेगी, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए क्लियर है, चाहे आप सिंगल हो या मिंगल हो या फिर मैरिड पर्सन हो, ठीक है, हो सकता है कि आपके लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा शांति आ रही है या फिर मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा शांति आ रही है, उसके साथ साथ रोमांटिक कनेक्शन क्या हो रहा है और भी डेवलप हो रहा है, ठीक है। जो रोमांटिक कनेक्शन है वो और भी ज़्यादा क्या हो रहा है, स्ट्रांग होते हुए दिखाई पड़ रहा है आप लोगों के बीच में, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो। या फिर ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोग जो है अभी अपने क्रश के बारे में सोचते रहते हैं, फील करते हैं, शायद आप उन्हीं को सोच रहे हो अभी, ठीक है, तो हो सकता है उनके साथ ही आपका रोमांटिक कनेक्शन शुरू हो जाए, ठीक है, ये चीज़ हो सकता है। और क्या है आपके लिए मैसेज, ओ माय गॉड रिकवरी का कार्ड है, यहाँ पे ऐसा बता रहा है कि बहुत सारे लोग जो यहाँ पे बीमार हैं, परेशान हैं, ठीक है, जो भी आपको फीवर है, इन्फ्लुएंजा, जो भी प्रॉब्लम है, सब ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है एंड रिकवरी होते हुए दिखाई दे रही है बहुत सारे लोगों की,
ठीक है, अगर आपके पैर में प्रॉब्लम है तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी जल्दी आप जो है काफ़ी दौड़ने लगे हो, चलने लगे हो स्पीड में, ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी रिकवरी होने वाली है। ठीक है, रिकवरी देखिए यहाँ पे ऐसा ये भी रिकवरी कहा जा सकता है कि आपके रिलेशनशिप में भी रिकवरी हो रही है, रियूनियन हो रहा है। स्पेशली मैं यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड देख पा रही हूँ कि आपके हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक आप यस का कार्ड देख सकते हो। यस डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में होंगी, आपकी रिकवरी भी होगी, आपके रिलेशनशिप में रियूनियन होगा। आपके रिलेशनशिप में प्यार नहीं है तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि उस रिलेशनशिप में प्यार भी आएगा। ठीक है, एंड यही है जो आपका परफेक्ट टाइमिंग है और इसी परफेक्ट टाइमिंग में होने वाला है, मतलब इस मंथ में ही ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आपका सारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व होने वाला है। ठीक है, स्पेशली हेल्थ से रिलेटेड दिखाई पड़ रहा है कि जो आपका सिचुएशन है, सिचुएशन विल इम्प्रूव और यही परफेक्ट टाइमिंग है। तो आप लोग क्लियर हो चुके होंगे, ओ माई गॉड दैट्स ग्रेट, इम्प्रूविंग हेल्थ का भी कार्ड है, तो अब तो बिल्कुल आप लोग क्लियर हो चुके हो, नो नीड टू वरी। तो ये तो है कि आपके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स, तकलीफ, दर्द है, दुख है, वो सारी चीज़ें खत्म होते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ठीक है, एंड रिकवरी हो रही है। एक चीज़ और यहाँ पे है, वो है फॉरगिवनेस का कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि शायद आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर किसी ने आपके साथ गलत किया, आप उससे बदला लेने का सोच रहे हो, तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपको पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे ऐसा रिवेंज लेने का सोच रहे हैं या फिर हो सकता है कि आप उस सारी चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हो। तो कहा जा रहा है कि जिसने भी आपके साथ धोखा किया है उसको उसका कर्मा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप जो है उसको भूलिए और लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि देयर इज़ समथिंग बेटर का कार्ड है। ठीक है, दोनों ही कार्ड जो है साथ में आया है, जो कि ये एक्सप्लेन कर रहा है कि आपको पुरानी चीज़ें भूल कर लाइफ में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि लाइफ में और भी आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने वाली है। जिस तरीके से यहाँ पे एंजल्स फ्लावर लेके वेट कर रही है आपको देने के लिए, ठीक है, इससे यही कहा जा रहा है कि अगर आप पुरानी चीज़ों से मूव ऑन कर जाओगे, ठीक है, मुश्किल होता है, टफ होता है, लेकिन अगर आप मूव ऑन कर गए तो आपको बहुत कुछ आगे आने वाला, मतलब आगे आने वाले टाइम में बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यही आपका परफेक्ट टाइम है, इसी टाइम में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो फिर आप अपने आप को रेडी कीजिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें अचीव करने के लिए, रिसीव करने के लिए अपने लाइफ में। ठीक है, तो अब मैं आपको और भी क्लियर करके बताऊंगी कि क्या कुछ आपको मिलने वाला है, क्या होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, टीच एंड ओके। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई नया लेसन अपने लाइफ में, नई चीज़ें सीखने वाले हो। पहले तो यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि कोई नए पर्सन भी इंटर कर रहे हैं आपके लाइफ में, उसके साथ साथ यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ नया लेसन सीखोगे अपने लाइफ का, और साथ साथ हो सकता है कुछ नया स्किल सीखो, कोई नया जॉब लगे। उसके साथ साथ यहाँ दिखाई दे रहा है जैसे कि आप रेनबो कलर देख रहे हो, ये रेनबो कलर जो होता है काफ़ी ज़्यादा कलरफुल होता है, इस तरह से ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका लाइफ भी जो है ना वो कलरफुल होने वाला है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही हो जाएगा, आपने मेहनत जो किया है उसके वजह से ही आपको ये सारी चीज़ें मिल रही है, या तो आपके कर्म के वजह से इतने सारी अच्छी चीज़ें आपको मिल रही हैं। ठीक है, जैसे कि आप यह देख रहे हो एक पर्सन है जो कि फूक लगा रहा है, दैट्स वाई यहाँ से कलर निकल रहे हैं, अगर वो नहीं करेगा तो नहीं निकलेगा। इट मीन्स कि आपने मेहनत किया है, इस वजह से आपको ये सारे ब्यूटीफुल कलरफुल लाइफ मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एंजल्स आपके एंसेस्टर कहना चाहते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हो रहा है कि नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ की, रीबर्थ कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स थे वो भी ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे करके सारे प्रॉब्लम्स आपके ख़त्म हो रहे हैं, और न्यू वाइटलिटी मतलब नई चीज़ें सीख रहे हो, नई शुरुआत हो रही है, हेल्थ में हीलिंग हो रही है। देन यहाँ पे टीच का कार्ड है। टीच का कार्ड यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई वुमन, हो सकता है कि उनका एज जो है 40-30 हो सकता है या 50 भी हो सकता है, वो इंटर करेंगी, चाहे आप मेल हो या फीमेल कोई भी देख रहे हो। एंड ये जो टीचर होंगे वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए। ठीक है, हो सकता है कि आपके डॉक्टर हो, ठीक है, जो कि आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, या फिर आपकी टीचर भी हो सकती हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ दिखाई पड़ रहा है, और उनकी वजह से आप अपने लाइफ में एक बहुत अच्छा लेसन सीखोगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कोई पेट वगैरह भी रखने का सोच रहे हो या फिर रख सकते हो, यहाँ पे ये सारी एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपको कोई जॉब भी मिले टीचिंग लाइन में, हो सकता है कि आप टीचर बनना चाहते हो, डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पे है ओ माय गॉड, जॉय एंड स्टेबिलिटी का कार्ड है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दर बदर फिरते रहते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ, जॉब नहीं मिल पाता था या फिर आप ट्राई करते रहते थे, ठीक है? तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, आपके प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ दोनों में ही। स्पेशली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में जो है काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आने की वजह से आपके पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ हो रही है, ठीक है? कैसे? यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जब आपके प्रोफेशनल लाइफ में हीलिंग होगी, स्टेबिलिटी आएगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी हो जाएगी, ठीक है? आप खुश रहने लगोगे, अपने पार्टनर को टाइम देने लगोगे, आपके पेरेंट्स खुश रहने लगेंगे आपसे। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आपके लाइफ में जो है स्टेबिलिटी आ रही है, उसके साथ साथ खुशियाँ भी आ रही है, ठीक है? स्टेबिलिटी जो है दोनों तरफ से दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग मैरिड पर्सन हो, आपका रिलेशनशिप, ठीक है, अपने पर्सन के साथ अच्छा नहीं चल रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके मैरिड लाइफ में भी या फिर रिलेशनशिप में भी काफ़ी ज़्यादा क्या आएगी, स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है? यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि जिस चीज़ से आप लेकर परेशान हो काफ़ी ज़्यादा, आप चाहते थे उसमें स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कि आप मेरे पर्सन जो है मुझे स्टेबिलिटी दे, सिक्योरिटी दे रिलेशनशिप में, तो वही चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे कार्ड भी है, डेडिकेटेड एफर्ट, इट मीन्स ऐसा लग रहा है जिस चीज़ की रियूनियन होने वाली है 8 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को ना 1 दिन के अंदर ही कॉल मैसेजेस आएगा आपके पर्सन से। तो देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी आपने डेडिकेशन के साथ उनसे प्यार किया, अब वो डेडिकेशन, वो एफर्ट ये पर्सन लगाने वाले हैं। अगर इनका बिहेवियर थोड़ा भी ख़राब था तो वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वो सब कुछ डिसअपियर हो जाएगा, और ये जो पर्सन है जिस तरह से आप प्यार करते हो, इस तरीके से ये पर्सन भी बन जाएंगे, ठीक है? तो ये डेडिकेशन, ये प्यार मैं देख पा रही हूँ आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है? देन क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड गिव एक्यूरेट मैसेज। ओके, यहाँ पे कुछ कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ नया जानने की कोशिश करने वाले हो, ठीक है? कुछ नया जानने को मिल भी रहा है, और कुछ ऐसा होगा ना कि थोड़ा सा आपको मतलब जानकारी मिलेगी और फिर वो आपके पीछे से भाग जाएगी, ठीक है? और आप फिर उसके पीछे पीछे भागोगे। ऐसा हो सकता है कि कोई नया पर्सन आपके लाइफ में इंटर करे जो कि बहुत सुंदर, बहुत अट्रैक्टिव होगा, ठीक है? और आप जो है एक बार मिलोगे, फिर आपका इंटरेस्ट जाग जाएगा, और फिर वो आपको कहीं दिखेंगे नहीं, फिर आप उनके बारे में सर्च करना शुरू करोगे। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है? साथ साथ रिकवरी दिखाई पड़ रही है आप लोगों को, थोड़ा सा मेडिटेशन के साथ साथ इन्वायरमेंट में, मतलब कि नेचर के साथ इंटरेक्ट करना है कहा जा रहा है। देन यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है कहीं बाहर घूमने जाने वाले हो या फिर कहीं और शिफ्ट करने वाले हो, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। शादी के बाद हो सकता है कि आप कहीं और चले जाओ। मूव का कार्ड है, ये चीज़ ये बताता है कि आगे आने वाले टाइम में आप डेफिनेटली ट्रैवल करने वाले हो, और ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है आपके लव पार्टनर के साथ, ठीक है? बहुत सारे लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है ना, वो आपकी तरफ आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, ये चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग बंधन में जो है बंधने वाले हो, शादी के बाद कहीं और जो है मूव कर सकते हो, ठीक है? वाओ, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो ये बताता है कि आपके लाइफ का जो इच्छा, इच्छा शक्ति, विल पावर कहते हैं ना, जो ख़त्म हो चुका था, मतलब आपके अंदर जो मोटिवेशन, इंस्पिरेशन नहीं था खुद को आगे ले जाने के लिए, खुद को ग्रो कराने के लिए, खुद को एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है? यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो इच्छा शक्ति, विल पावर आपके अंदर बढ़ रही है, ठीक है? क्योंकि आपका सोलर चक्र जो है हील हो रहा है। जिसका सोलर चक्र हील रहता है, ठीक है, बैलेंस होता है, यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि वो जो है ना, उस पर्सन के अंदर बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, और उसको ना किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, ठीक है? उसको मतलब तलाश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मुझे ये आइडियाज़ ले लूँ, या किसी से भी कॉपी नहीं करते। वो आइडियाज़ जो है इनके मन में खुद आता है, उनको लोग कॉपी करते हैं। तो ये एनर्जी आपके अंदर आ रही है कि आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो हील हो रहा है, इसके वजह से आपको नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ आने वाले हैं, और उस वजह से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ोगे, मतलब उन सारे क्रिएटिव आइडियाज़ को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है? ओपन अप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने बातों को खुलकर रखने वाले हो। सकता है कि आप किसी के सामने बहुत ज़्यादा दबे दबे से रहते थे, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है आगे आने वाले टाइम में कि आप जो है अपने बातों को, अपने स्पीच, जो भी बातें हैं, उस सामने खुलकर रख रहे हो। हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किए जाते थे, ठीक है, कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन आप अपने ड्रीम्स, अपने गोल, अपने एम को
बताने वाले हो उनके सामने, ठीक है। देखिए साथ साथ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद आपके साथ किसी ने धोखा किया है, या फिर किसी ने कुछ झूठ भी बोला है, या कुछ हिडन सीक्रेट्स वगैरह है, तो आपको पता चलने वाला है, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर से ही आपको कुछ पता चले, ठीक है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी कोई और पर्सन हो सकता है कुछ और मैटर हो। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शायद आपको कुछ नया पता चलने वाला है, जिसके वजह से आपके लाइफ में कुछ वृद्धि हो सकती है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि वो आपके लिए बेनिफिट हो, ठीक है, करे। उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा धक्का भी लग सकता है, ठीक है। किसी के बारे में पता चल सकता है, हो सकता है कि आपके पार्टनर के बारे में कुछ सच्चाई पता चले, लेकिन ज़्यादा चांसेस मुझे पॉजिटिव वे में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं और ये भी पॉजिटिव ही बता रहा है कि आपके लाइफ में आप जो है खुल के जीने वाले हो, साथ साथ आपको फ्रीडम भी मिल रहा है, ठीक है, और अपने बात को काफ़ी अच्छे तरीके से सबके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो, रख रहे हो, ठीक है। मतलब कि अपने पेरेंट्स के भी अगेंस्ट नहीं जा रहे हो और उनके उनको अच्छे से समझा भी रहे हो। टेक द लीड, आगे आने वाले टाइम में आप कोई अच्छा स्टेप लेने वाले हो, एक लीडरशिप क्वालिटी देख रही हूँ। और हो सकता है कि कहीं आप जॉब वगैरह करते हो तो आपको कोई प्रोजेक्ट वगैरह दिया जा सकता है, उसमें आपको लीडर बनाया जाएगा, मतलब मेन बनाया जाएगा, मेन लीड आपको दिया जाएगा और आपके अंडर वो सारे लोग काम करेंगे, ठीक है। या हो सकता है कि आप अपना कोई बिजनेस वगैरह शुरू करो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि बिजनेस वगैरह शुरू करोगे तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग आपके अंडर में काम करेंगे। देखिए चेंज योर फोकस, चेंज योर फोकस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कहा जा रहा है कि आपका जो अभी एम चल रहा है, जिस चीज़ पर आप काम कर रहे हो, ऐसा कहा जा रहा है कि आप आगे आने वाले टाइम में अपने फोकस को चेंज कर रहे हो। हो सकता है कि जो काम आप अभी कर रहे हो उसको क्विट करके आप नई चीज़ शुरू कर दो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो एक गाइडेंस है, देखिए कुछ लोगों के लिए अच्छा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि जो काम को अभी आप कर रहे हो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, बेनिफिशियल नहीं है, या फिर फ्रूटफुल रिजल्ट आपको नहीं देगा, इसलिए आपको चेंज करने की ज़रूरत है, अपना फोकस जो है दूसरे जगह लगाने की ज़रूरत है। या तो ये हो सकता है कि ज़बरदस्ती आप कोई काम को कर रहे हो, या फिर किसी के द्वारा करवाया जा रहा है, तो वहाँ से भी आपको निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ये है कि बार बार अपने ड्रीम्स और एम को, अपने विजन को स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। कभी आप कुछ टाइम एक महीने ये करते हो, कभी कुछ टाइम ये एक महीने करते हो, तो इस चीज़ को नहीं करना है। इस तरीके से चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि एक दो चीज़ को आप ले लीजिए, उसको अच्छे से कीजिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है। देन यहाँ पे कार्ड है ब्लॉसम का, यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपकी लाइफ में इंटर कर रहा है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। 20 डेज़ के अंदर बहुत अच्छा होगा, एंड साथ साथ आपकी बाउंडिंग जो है आपके परिवार के साथ, आपके फैमिली के साथ, कहने का मतलब है कि आपके जो पार्टनर है, ठीक है, उनके साथ भी आपका बाउंडिंग अच्छा हो सकता है। अगर आपका इन लॉज के साथ कनेक्शन ख़राब है तो इन लॉज के साथ भी कनेक्शन क्या हो रहा है, अच्छा होते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं बहुत सुंदर ब्यूटीफुल प्लेस पे आप क्या कर रहे हो, ट्रैवल करने वाले हो, ठीक है, जहाँ पे आप अपने लाइफ को खुलकर जी रहे हो, खुलकर सांस ले रहे हो, सारी निगेटिविटी क्या कर रहे हो, रिलीज़ कर रहे हो, ठीक है। आपके पर्सन के साथ बाउंडिंग बहुत सुंदर हो रही है, बहुत अच्छी होते हुए दिखाई पड़ रही है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आया है, ठीक है। देन और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले कार्ड आया है मनी पाथ, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे आया है अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि मनी का पाथ, मतलब जहाँ जिस रास्ते पे अभी आप चलने वाले हो लाइफ में, ऐसा दिखाई दे रहा है वहाँ पैसे ही पैसे हैं, ठीक है। थोड़ा वेट करना है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो जो पाथ है ना वही आपका इंतज़ार कर रहा है, बस उस पर आपको चलना है। तो ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है कि मनी पाथ इज़ वेटिंग फॉर यू, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह मिल सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल गेन हो सकती है, ठीक है। जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे वो सुधरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ओके, वाओ दैट्स ग्रेट। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी आपका इम्पॉर्टेंट विश था, ठीक है, जो सपने थे आपके, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, वो आपका विल बी ग्रांटेड, मतलब डेफिनेटली मिलकर ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि आपने कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया है, आप चाहते हो कि प्लीज़ मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ठीक है, मुझे जॉब मिल जाए, तो ऐसा लग रहा है कि यस डेफिनेटली आपको जो है जॉब मिलने वाला है, ठीक है। और वही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था, एम था, सपना था, वो चीज़ दिखाई दे रहा है।
सक्सेसफुल आउटकम टू योर प्रॉब्लम। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम्स तो आपने बहुत सारे लोगों ने झेला है, लेकिन डोंट वरी, यहाँ पे बहुत अच्छा मैसेज है कि सक्सेसफुल आउटकम होगा उसका। ठीक है, उसका क्या होगा, हैप्पी आउटकम होगा, साथ साथ सक्सेसफुल आउटकम भी होगा। ठीक है, मतलब जो भी आपने मेहनत किया है उसका रिजल्ट आपको मिलकर रहेगा। ठीक है, देन यहाँ पे आपके लिए है दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो कार्ड आया है वो है आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, टॉर्च का कार्ड है। टॉर्च ये बताता है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है इन सारी चीज़ों के साथ साथ, मतलब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, खुशियाँ तो आ रही है, आपके विशेष पूरे हो रहे हैं, उसके साथ साथ आपके लाइफ में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो रहा है, इनलाइटमेंट भी हो रहे हैं, आप अवेयरनेस आपके अंदर आ रहा है और आपके अंदर समझदारी, अंडरस्टैंडिंग भी आ रही है। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि आप एक बहुत समझदार इंसान बन रहे हो। ठीक है, मतलब आपकी बाहर की खूबसूरती तो अच्छी है ही, ठीक है, बहुत अच्छी है, लेकिन साथ साथ आपकी इनर नोइंग, मतलब आपकी सेल्फ डिस्कवरी भी हो रही है। ठीक है, और ये जो टॉर्च का लाइट है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, आपकी लाइफ में इनलाइटमेंट आएगा, अवेयरनेस आएगा, तो लोगों की भी मदद करोगे आप। ठीक है, अवेयरनेस कहने का ये मतलब है कि पहले आप कुछ भी बिना सोचे समझे कर देते थे, लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है कोई भी काम सोच समझ कर करोगे। ठीक है, या फिर कहीं भी बाहर जाते हो तो अगल बगल के लोगों से सतर्क रहोगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे फ्रॉड भी आ रहे हैं। ठीक है, कहीं भी कोई भी मिल जाता है तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा पहले भी धोखा हुआ है, ठीक है, फ्रॉड हुआ है, तो अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर स्पिरिचुअल मेच्योरिटी आ रही है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आ रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि पहले आप बहुत लोगों से झगड़ भी लेते थे, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर लेते थे, तो आप चीज़ों को पहले समझ रहे हो, देन कभी गुस्सा करना है तो करते हो। ठीक है, ये होगा। उसके बाद है आपके लिए यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जिस पाथ पे चल रहे हो वो पाथ बिल्कुल सही है और घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, 90% लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने फोकस को अभी चेंज ना कीजिए, क्योंकि आप जिस पाथ पे अभी चल रहे हो वो कहीं काफ़ी ज़्यादा सही पाथ है और अपने पाथ को अभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ पे मैसेजेस है, देन यहाँ पे मैसेज है आपके लिए, ऑनर एंड रिस्पेक्ट विल कम टू यू, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो रहा है कि शायद आपको कोई जॉब मिलेगा एंड जहाँ पे आप जॉब करोगे वहाँ पे भी बहुत रिस्पेक्ट और प्यार मिलेगा, साथ साथ फैमिली से तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपकी फैमिली हमेशा चाहती थी कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो। ठीक है, सम्मान मिले आपको और साथ साथ आपके वजह से पूरे फैमिली में भी, पूरी फैमिली को भी समाज में क्या मिले, रिस्पेक्ट मिले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, वेल्थ, पैसे तो आ रहे हैं आपके लाइफ में और जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो है रिस्पेक्ट। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपके जॉब के वजह से, आपके वेल्थ के भी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग जो है आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिखाई पड़ रहा है। देन इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ओके वाओ दैट्स ग्रेट। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके दिल में जिसने भी कंजर खोपा, ठीक है, और हो सकता है कि उसको कर्मा मिले, ठीक है, जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, चलिए वो बात तो दूसरी बात है, ठीक है, वो सुधर जाए बस यही बड़ी बात होगी। सबसे पहले तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके दिल में छोटा सा भी अगर दर्द है, हर्ट एक है, ठीक है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप चीज़ों को माफ़ कर रहे हो। ठीक है, जिसने भी आपके साथ बुरा किया उसको माफ़ करके आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। अब ये जो आपका जो हार्ट एक है, दर्द है, दुख है किसी को लेकर, वो सब कुछ ख़त्म हो रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप होता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बहुत दिन तक वो डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं। बहुत सारे लोग समझाते भी हैं कि अब आपको निकल जाना चाहिए, और निकलते तभी है जब उनका परफेक्ट टाइम आता है, जब खुद रियलाइज़ करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद रियलाइज़ करने वाले हो कि नहीं, अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, ये पर्सन जो है सही नहीं है। अब फाइनली आप उन सारे रिलेशनशिप को ख़त्म करके, या फिर कोई ऐसा फ्रेंड आपके साथ धोखा किया या आपसे झगड़ा कर लिया है या कर ली है, तो ऐसा हो सकता है कि अब आप फाइनली उससे मूव ऑन करने वाले हो, ठीक है, और निकलने वाले हो। जितने भी निगेटिविटी है वो रिलीज तो कर रहे हो, साथ साथ जो भी आपका दुख दर्द है वो ख़त्म होते हुए दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, देना क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है
बहुत सारे लोगों का यहाँ पे देख पा रही हूँ इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ। देखिए यहाँ पे इसके थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद आप लोगों का जॉब लॉ के फील्ड में हो सकता है, कोई एडवोकेट कोई लॉयर बनने वाले हैं, या फिर आपका कोई एग्ज़ाम जो है कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट जो भी होता है वहाँ पे क्लियर होने वाला है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। देन यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है अपॉर्चुनिटी आर वेटिंग फॉर यू, आपको कोई नया केस वगैरह मिल सकता है लड़ने के लिए, ठीक है, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। तो कुछ अपॉर्चुनिटी लॉ के फील्ड में बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। और साथ साथ चाहे आप लॉ के फील्ड में हो या ना हो, आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ तो ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई आपका लीगल केस वगैरह चल रहा है तो वो भी ख़त्म होने वाला है। ग्रेट पैशन, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहा है, एंड समवन इज़ लिविंग योर लाइफ, कोई आपकी लाइफ से जा भी रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि जिस तरीके से, देखिए आप जैसा सोचते हो ना वैसे ही बनते हो। अगर किसी पर्सन को आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, इट मीन्स कि वो आपके लाइफ में है, ठीक है, और आप उसको भूल रहे हो, उसको इग्नोर कर रहे हो, माफ़ करके ख़त्म कर रहे हो, इट मीन्स कि वो आपकी लाइफ में अब नहीं है, चाहे वो फिजिकली रहे या मेंटली रहे या ना रहे। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है अगर ऐसा सोचोगे कि वो है मेरी लाइफ में तो रहेगा, अगर सोचोगे कि नहीं है तो फिज़िकली भी रहे ना, आपके अगल बगल भी रहे ना, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आपके लाइफ से, मतलब कि आपके दिमाग से कोई निकलने वाला है, ठीक है। देन यहाँ पे आपके लिए कार्ड है सॉलिड फाउंडेशन सक्सेस विथ एफर्ट, आपने जो भी एफर्ट लगाया, ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसका आपको भरपूर क्या मिलेगा, ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वेल्थ मिलेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप इंजॉय करोगे, ठीक है, और अचीवमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। चेंजेस इन योर लाइफ, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो मून की एनर्जी है, और मून ये बता रहा है यहाँ पे कि आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे, ठीक है। क्या हो सकता है मैं आपको बता देती हूँ छोटे छोटे कार्ड से, प्यारे प्यारे कार्ड से, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ओके। सबसे पहले तो यहाँ पे जो कार्ड आया है वो पर्सनल रिचनेस का, देखिए पर्सनल रिचनेस ये बता रहा है कि आपकी खुद की हेल्थ में भी क्या हो रहा है, सुधार हो रहा है, यहाँ पे हेल्थ का भी कार्ड है। और उसके साथ साथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सनल प्रॉब्लम ज़्यादा सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ अच्छा होने की वजह से आपके जितने भी पर्सनल प्रॉब्लम हैं वो सारे ठीक होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ आपकी फ्रेंडशिप भी अच्छी हो रही है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एक्सरसाइज करना भी शुरू कर दिए हो, जो मैं इतने दिन से आपको समझा रही थी अब आप मेरे बातों को समझोगे, ये भी यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपका फाइनेंस में जो है काफ़ी ज़्यादा सुधार हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। देन आपके लिए इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे फ्यूचर का कार्ड है, मे बी फ्यूचर में आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, बहुत सारे लोग तो यहाँ पे व्लॉगर ट्रैवलर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मे बी आप अपने यूट्यूब पे नया चैनल शुरू कर रहे हो, ठीक है, व्लॉगर बन रहे हो, सिंगिंग कुछ भी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ज्वाइन करने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके घर में किसी को बहुत ज़्यादा की ज़रूरत पड़ सकती है, उनको केयर की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उनका केयर आपको करना चाहिए, ठीक है। देन यहाँ पे लव लाइफ, आपके लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सुधार, साथ साथ अगर कोई नहीं है आपके लाइफ में तो कोई इंटर कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ दिखाई पड़ रहा है। आप अपने लव लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा गुड डिसीज़न लेने वाले हो इस वीक, ये भी दिखाई पड़ रहा है। देन यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, प्लानिंग, वाह दैट्स ग्रेट, प्लानिंग का कार्ड आया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंस को लेकर, ठीक है, आप जो है काफ़ी अच्छा प्लान कर रहे हो, अपने फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा प्लान करने वाले हो। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन, दैट्स ग्रेट, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छा है, और आपने अपनी कोई अगर विश किया है पूरी, तो यहाँ पे ऐसा एंसेस्टर बताना चाहते हैं कि वो आपकी विश पूरी होने वाली है, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन का कार्ड ये बता रहा है, साथ साथ ये भी बता रहा है कि ये जो टाइम है आपका बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देगा आगे चल के, ठीक है, काफ़ी फेवरेबल है, इसलिए आप लोग मैनिफेस्ट कीजिए। देन यहाँ पे है सन शाइन का कार्ड, ठीक है, एंड यहाँ पे चेंज, मतलब चेंज आपके लाइफ में डेफिनेटली हो रहे हैं, हो सकता है कि ट्रैवल करने वाले हो, चेंज ऑफ रेसिडेंस, ठीक है, रेसिडेंस में, पार्टनर में, करियर में, जॉब में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हो आगे आने वाले टाइम में, इस वजह से सन शाइन, मतलब कि आप जो है बिल्कुल सन की तरह शाइन कर रहे हो, सन आपके ऊपर शाइन कर रहा है, आपके करियर में, आपके बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है, साथ साथ जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, जिस जिसके साथ हो, ठीक है, वो सभी लोग आपसे अच्छे से बातें कर रहे हैं, ठीक है, आप उनसे अच्छे से बातें कर रहे हो, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि ऐसा क्या होने वाला था,
ठीक है, तो अब आपको पता चल चुका है इस तरीके से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। होप कि आपको क्लियरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं। ख्याल रखिएगा अपना और अपने पूरे फैमिली का भी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जी मेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो पाइलचू, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे। 16 से 31 के बीच में आपका बर्थडे पड़ता होगा किसी भी मंथ में, ठीक है, या फिर आप अपने ब्यूटीफुल काली माँ के कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जी मेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो अब मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसा क्या होने वाला है आपके लाइफ में जो कि आपको जानने की ज़रूरत है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। ओके, ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग अभी बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में हैं और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ झेल रहे हैं। ठीक है, ऐसा आपको लगता है कि जो आपके साथ रिलेशनशिप में है वो आपके साथ ऑनेस्टी नहीं कर रहे, ठीक है, वो आपके लिए लॉयल नहीं है। तो बहुत जल्दी आपको ये पता चलने वाला है। पहले तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि उनसे आपकी बात हो गई, ठीक है, आपके पार्टनर से आपकी बात होते हुए दिखाई पड़ रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे ऑनेस्टी का कार्ड आया है, तो आपको ये पता चलने वाला है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट भी है, ठीक है। और ऐसा भी दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के लिए जो सिंगल है, मे बी आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन इंटर कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोग भी आपके लाइफ में इंटर कर रहे हैं ना, कहीं आप वर्क प्लेस पर जा रहे हो, कोई फ्रेंड भी अगर आपको मिल रहे हैं ना, तो वो आपके लिए बहुत ऑनेस्ट होंगे और उनके साथ आपकी जो बातचीत होगी वो काफ़ी स्वीट होगी, काफ़ी मधुर होगी, ठीक है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे आने वाले टाइम में जो भी आपके लाइफ में इंटर करेंगे, जो भी नए पर्सन होंगे, उनके साथ आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो काफ़ी ज़्यादा प्योर होगा, ऑनेस्टी के साथ होगा और कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छी रहेगी, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू वगैरह होने वाला है, तो आपका इंटरव्यू एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा जाने वाला है, ठीक है। अगर आप कहीं नए जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो जॉब आपके हाथ में होगा, वो जॉब आपको डेफिनेटली मिलकर रहेगा, ठीक है। उसके साथ साथ नई बातें भी आपको पता चलने वाली है, जो भी आपके पुराने मतलब लाइफ में जो भी पुराने लोग हैं उनके बारे में नई नई बातें भी पता चलने वाली हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर के बारे में ही आपको कुछ नई बातें पता चले, ठीक है। देन यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, कट द कॉर्ड, फॉरगिवनेस। ओके, दैट्स ग्रेट। देखिए, पहले तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो भी आने वाला टाइम है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों के साथ आपका जो कॉर्ड है, जो रिश्ता बना हुआ है, वो ख़त्म हो सकता है, ठीक है। और वो होंगे बुरे लोग, इसलिए होगा क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अच्छे से डीप में समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए, हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे आपके लाइफ में है जिससे एक टाइम आप सोचते थे कि मुझे इससे बदला लेना है, ठीक है, इसने मेरे साथ बहुत गलत किया, मैं इससे बदला लेकर रहूँगी, मैं इससे बदला लेकर रहूँगा। लेकिन अब धीरे धीरे क्या करोगे ना, इस मतलब ये जो आगे आने वाला टाइम है, आप माफ़ कर रहे हो, मतलब कि आप एक अच्छे इंसान बनते हुए दिखाई पड़ रहे हो, आप जो है फॉरगिव कर रहे हो, माफ़ करके आगे बढ़ रहे हो। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मैं देख पा रही हूँ, इस वजह से आपके अंदर वो पावर, ब्यूटीफुल पावर आ रहा है कि आप जो है लोगों को माफ़ कर पा रहे हो, आप समझ पा रहे हो चीज़ों को, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी आते हुए देख पा रही हूँ। मतलब कि चीज़ों को करने से पहले, ठीक है, आप पहले 10 बार सोच रहे हो, ठीक है, जैसे कि टीनेज में होते हैं ना कि कुछ सोचते नहीं करने लगते, तो वैसा आपका नेचर था। लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है लोगों को आप माफ़ भी करोगे और अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने किस चीज़ के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने लाइफ में खुशियों के लिए, ठीक है, अपने आप को अच्छा रखने के लिए, अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, मेंटली फिजिकली हर तरीके से आप बुरे लोगों के साथ आपका कॉर्ड कट हो रहा है। और ये जो कॉर्ड कट हो रहा है वो आप खुद ही कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ रही है, जो भी लोगों को आप बांध के रखे थे बदला लेने के लिए, उन सारे लोगों को माफ़ कर रहे हो, और उसके वजह से क्या हो रही है, आप जो है कॉर्ड कट हो रहा है बुरे लोगों के साथ। और जब ये हो जाएगा आपकी लाइफ में, तो सबसे ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पे ये आई है कि आपको नए लोग मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले पड़ जाओगे लाइफ में, आपको नए लोग भी मिलेंगे जिसके साथ आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, अच्छे लोग आएंगे जो कि ऑनेस्ट होंगे, आपके लिए लॉयल होंगे। और यहाँ पे सबसे बेस्ट कार्ड है वो है ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस का, मतलब आपके लाइफ में एंजल जो है वो आपके लिए ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस जो है सेंड कर रहे हैं, ठीक है। ब्लेसिंग्स मतलब बहुत सारे ब्लेसिंग्स, खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं, और अबंडेंस जो है सिर्फ वेल्थ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा प्यार,
मिल रहा है आपको, ठीक है, वेल्थ भी आ रहे हैं उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। मैंने जैसे आपको बताया वेल्थ तो आ रहा है, उसके साथ साथ रोमांटिक कनेक्शन भी आ रहा है, ठीक है। कोई ऐसे पर्सन आपके लाइफ में इंटर करने वाले हैं, यहाँ तो हो सकता है कि शादी हो रही है, ठीक है, एक बंधन में बंधते हुए दिखाई पड़ रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आपकी सगाई होगी, बहुत सारे लोगों की इस मंथ में सगाई होते हुए मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। दिसंबर या नवंबर में शादी होने के चांसेस भी दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोगों जो है रिलेशनशिप में भी आ रहे हो। तो ऐसा है ना कि रोमांटिक रिलेशनशिप तो डेफिनेटली होगा, और कनेक्शन जो होगा, बॉन्डिंग होगा, वो स्पिरिचुअल होगा, ठीक है। देन क्या इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ गॉड, सरेंडर, देखिए सरेंडर कीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में वो आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। अगर किसी चीज़ को आप अगर बांध कर बैठे हो, बांध कर, ठीक है, तो कहा जा रहा है कि उन सारी चीज़ों को आपको ख़त्म करना है वहीं पे। रिवेंज अगर लेने का सोच रहे हो, इट मीन्स कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन अभी नहीं हो, आपकी शुरुआत भी नहीं हुई है। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि अगर किसी ने गलती किया है लाइफ में, आपके साथ बुरा किया है, तो उस वक्त पहले वहाँ तक जो है आप भूल जाइए, ठीक है। और अब जब भूल जाओगे तो उसके बाद आगे आने वाले टाइम में आपको सतर्क रहना है। आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग आ रही है, तो कोई भी अगर आपके लाइफ में इंटर भी करता है तो उसको पहले सोच समझ कर अपने लाइफ में आने देना है, ठीक है, देखना है कि वो सही है या नहीं। वैसे यहाँ आगे आने वाले टाइम में ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों के साथ आपका रियूनियन भी हो सकता है, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप में रियूनियन हो सकता है। जो बुरे पर्सन हैं वो जा रहे हैं, और कुछ नई फ्रेंडशिप भी होते हुए मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। अगर एक बार आप प्रॉब्लम्स को सरेंडर कर दोगे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपको अच्छे दोस्त भी देंगे, ठीक है, वो आपको अच्छे पार्टनर भी देंगे, वो आपको अच्छे भाई बहन भी देंगे, ठीक है, फ्रेंड के रूप में। ये भी चीज़ यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, जो भी आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होंगे। डिवाइन टाइम, वाह, मुझे ऐसा लग रहा है कि यही आपका डिवाइन टाइम है। जो अभी आप वीडियो देख रहे हो सकता है कि 2-3 दिन बाद आपको कुछ अच्छा रिजल्ट वगैरह मिले, ठीक है। मैट्रिमोनियल साइट हो या कोई भी साइट हो, आप अपने पार्टनर से मिल सकते हो, ठीक है। अगर शादी के लिए, शादी का बहुत ज़्यादा चांसेस दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि बंधन में बंध रहे हो, शादी हो रही है एंड ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है, आपके अंदर बहुत प्योर लाइट, गोल्डन लाइट मैं आते हुए देख पा रही हूँ। एंड यहाँ है लिसन डीपली, ठीक है। बहुत सारे लोगों का ऐसा लगता था ना कि मेरे लाइफ में कोई ऐसा था ही नहीं जो मुझे अच्छे से गहराई में जाकर सुन सके, 10 मिनट भी अच्छे से टाइम दे सके। तो ऐसा लग रहा है कि कोई आपके लाइफ में इंटर कर रहा है जो आपको ना अपना पूरा ज़िंदगी देगा, ठीक है, अपना मतलब टाइम देगा कि आपको सुन सके, आपको समझ सके। स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस, अब ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि आप जो है लोगों को गाइड करने वाले हो, आपके अंदर वो हिम्मत, वो स्ट्रेंथ आ रहा है कि आप लोगों को गाइड करोगे, समझाओगे, एंड आपके मैनिफेस्टेशन भी पूरे हो रहे हैं। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अगर कोई भी ड्रीम, कोई भी सपना जो है मैनिफेस्ट किया है, अगर फ्यूचर स्पाउस के लिए या रियूनियन के लिए, या फिर कॉल वगैरह आ जाए, मैसेजेस वगैरह आ जाए, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है। और आपको एंजल्स यहाँ इसलिए भेजे हैं इस वीडियो को देखने के लिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है ना, चाहे वो पार्टनर के लिए हो, या रोमांटिक साइकिल हो, रीयूनियन हो, या फिर आपके अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, वो सारे मैनिफेस्टेशन क्या हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं। साथ साथ यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है सेल्फ एक्सेप्टेंस, यहाँ पे इसके थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है खुद से प्यार करते हुए दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। इसके पीछे एक रीज़न है, देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा मैसेज अभी जस्ट एंजल ने दिया, वो ये है कि शायद आप अपने से प्यार नहीं करते थे, ठीक है। आपको ऐसा लगता था कि आपका जो रंग है वो अच्छा नहीं है, स्किन टोन से प्यार नहीं करते थे, या स्किन टोन अच्छा है तो चेहरे पे थोड़ी सी दाग है, डार्क सर्कल है, तो इन सारी चीज़ों से आप बहुत हेट करते थे, ठीक है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन इंटर करने वाला है जो कि आपको यकीन कराने वाला है कि तुम सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम बहुत स्मार्ट हो, ठीक है। और इस पर्सन के वजह से ना कहीं ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके लाइफ में, और इस पर्सन के वजह से आपके लाइफ में क्या आ रहा है, ग्रोथ तो हो रही है, साथ साथ आप अपने अपने आप को प्यार कर रहे हो, अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो, मतलब इनसे प्यार तो कर रहे हो, साथ साथ खुद को भी एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पॉजिटिव पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करते हैं जो कि आपको खुद से भी प्यार कराते हैं,
तो यही होते हैं आपके सोलमेट। तो मे भी हो सकता है कि जिससे आपकी शादी होगी या फिर जो अभी आपके लाइफ में इंटर करेंगे वही आपके सोलमेट होंगे, ठीक है। क्योंकि इनके वजह से आप अपने आप को जान पा रहे हो, अपने हिडन टैलेंट को, अपने आप को पहचान पा रहे हो, ठीक है। एक अपना पहचान देख पा रहे हो कि हाँ मुझे अपने नाम को आगे बढ़ाना है। तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी होंगे। अगर आपके लाइफ में ऐसे पर्सन हैं तो आप लोग क्लेम कीजिए, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है और साथ साथ आगे आने वाले टाइम ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हो, ठीक है। एक लीडर वाली क्वालिटी देख रही हूँ और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है एंजल की तरह लोगों की मदद कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो अपने लाइफ में। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताना चाहूँगी। आप लोगों को पॉजिटिव रहना है। देखिए ये वर्ल्ड, ओके, ये जो वर्ल्ड कार्ड है बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो है अपने पार्टनर से ऑनलाइन मिल रहे हो, कुछ लोग मैट्रिमोनियल साइट पे मिल रहे हो, कुछ लोग फेसबुक इंस्टा पे मिल रहे हो, ठीक है। आपके जो पर्सन होंगे, हो सकता है कि जो पर्सन है ना किसी बाहर कंट्री के हो सकते हैं, अब्रॉड के हो सकते हैं, या फिर कहीं बाहर रह रहे हैं। या फिर दूसरा मैसेज यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग हायर लर्निंग के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए आप लोग बाहर जा रहे हो, किसी और कंट्री में ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो, ट्रैवलर बनते हुए दिखाई दे रहे हो। तो द वर्ल्ड से ये पता चल रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर सकता है, कहीं बाहर किसी कंट्री का हो, ठीक है। आपके जो फेवरेट प्लेसेस हैं उन सारे कंट्रीज से हो, उन सारे प्लेसेस से हो, या फिर ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आप खुद जो है दुनिया घूम रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो। बहुत सारे लोगों का ये सपना है और ये सपना जो है आपका पूरा हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि बाहर किसी कंट्री में आपका जॉब भी लग रहा है, कहीं पढ़ाई के साथ साथ ऐसा हो सकता है कि आप पार्ट टाइम जॉब भी वहाँ पे करोगे। देखिए कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, या तो आप किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, वो पर्सन आपकी लाइफ में इंटर कर सकते हैं। ज़्यादा चांसेस ये है कि आपका कोई सीक्रेट एडमायरर भी दिखाई पड़ रहा है जो कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। मैं वीडियोस ले आऊँगी सीक्रेट एडमायरर क्रश सभी पे, ठीक है, आप लोग देख लेना। तो ये चीज़ है कि जो आपके बारे में सोच रहा है वो कैसा है ये भी तो जानने की ज़रूरत है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो जो पर्सन है ना वो माइंड ब्लोइंग है, ऑसम है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा रिच भी दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। मेल फीमेल जो भी आप देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग कर लीजिएगा। देन यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। मुझे तो ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों का केसेस वगैरह चल रहा है तो वो केस आपका ख़त्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपकी पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस हो रही है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे रेनबो है जो कि ये दर्शाता है कि आपके लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, बस आने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक डोर है जो कि आपके लाइफ में ओपन हो रहा है, वो है पर्सनल हीलिंग का एंड हैप्पीनेस का, ठीक है। जो भी आपके पर्सनल प्रॉब्लम जो कि आप बहुत सारे लोगों से डिस्कस भी नहीं कर पाते थे, ठीक है, आपका हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है जो कि आप लोगों को बता भी नहीं पाते थे, ठीक है, अपने घर में भी नहीं बताते थे। ऐसा हो सकता है कि उस पर्सनल प्रॉब्लम में आपकी हीलिंग हो रही है, आपके बॉडी में हीलिंग हो रही है, आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, खुशियाँ आ रहा है, ठीक है। देन क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, यहाँ पे है आपके लिए, ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट, मैन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है। तो इसके थ्रू ये पता चल रहा है कि जो आपके लाइफ में इंटर करेंगे ना पर्सन, ऐसा दिखाई दे रहा है कि इंटर कर सकते हैं आपके बॉस, आपके सीनियर, आपके डॉक्टर हो सकते हैं। और ये जो पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होने वाले हैं, ठीक है, मतलब ऐसा देख के नहीं लगेगा कि उसी प्रोफेशन के हैं, ठीक है। काफ़ी स्मार्ट होंगे, हैंडसम होंगे। और अगर मेल देख रहे हो तो मैं बता देती हूँ कि फीमेल कैसी होंगी, बहुत अट्रैक्टिव होंगी, ब्यूटीफुल होंगी, फाइनेंशली इंडिपेंडेंट होंगी, ठीक है। तो यही एनर्जी है यहाँ पे कि आपके जो पर्सन है इनका एज 28 से लेकर 29, 34, 46, 43 ऐसे हो सकता है, प्लस भी जा सकता है। तो आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। साथ साथ यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में जो इंटर करने वाले पर्सन हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिच होंगे, लग्जरियस लाइफ जी रहे होंगे। एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, ठीक है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी हो रहा है। एंड ओके, यहाँ पे है मैन होल्डिंग अ हार्ट। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है, फीमेल्स के लिए आ रहा है, दोनों के लिए ही है, लेकिन यहाँ पे फीमेल्स के लिए स्पेशली मैं देख पा रही हूँ कि बहुत 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 ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड बहुत लविंग केयरिंग पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्ड है ब्लॉसमिंग अबंडेंस का भी, डोट रोमांस का भी, ठीक है, एंड दिस वन, ओके।
यहाँ पे डिसीट का भी कार्ड है। ओके सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, कुछ लोग जो है अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, या फिर आगे आने वाले टाइम में आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे कि आपके लिए मैन होल्डिंग अ हार्ट आया था, एंड उसके साथ साथ यहाँ दिखाई दे रहा है कि उनके साथ कनेक्शन भी आपका बहुत ब्यूटीफुल रोमांटिक होगा, ठीक है। इट मीन्स कि जिसके साथ रिलेशनशिप में अगर आ भी रहे हो ना, या सोच भी रहे हो, अगर आपके मन में दिल में कोई ऐसे पर्सन है जिसका ख्याल हमेशा रहता है, तो वही आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं। एंड वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, वो आपको गिफ्ट्स देना चाहते हैं, वो आपका ख्याल रखना चाहते हैं, रोमांटिक कनेक्शन बिल्डअप करना चाहते हैं आपके साथ। देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप शादी, कुछ लोगों का शादी दिखाई दे रहा है, शादी के बाद 30 डेज के अंदर जो है आप कहीं ट्रैवल करके चले जाओगे, ठीक है। आपका जहाँ पे घर होगा या फिर कोई पर्सन जिससे आप शादी कर रहे हो उनका बहुत बहुत अच्छा घर हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर आप रिलेशनशिप में हाल फिलहाल में आए हो या आने वाले हो, ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस पे ले जाने वाले हैं, ठीक है, डेटिंग के लिए नेचुरल प्लेस पे। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है, इट मीन्स कि आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, ठीक है, काफ़ी ब्यूटीफुल अबंडेंस होगा। और इसके थ्रू ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे, एक्सपैंड करोगे, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि नेम फेम भी मिले। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको नेम फेम मिलेगा, और उस दौरान कोई ऐसा पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में जिसका एज 25-29 ऐसा हो सकता है, जो कि आपसे जेलस फील करेगा। यहाँ पे एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, इसलिए मैं आप चाह रही थी कि मैं आपको बता दूँ, ठीक है। डिसीट का कार्ड है, कोई धोखेबाज पर्सन आपको आगे आने वाले टाइम में मिल सकता है, या फिर ऐसा कोई पर्सन आपके लाइफ में है तो आपको काफ़ी जल्दी पता चलने वाला है, जो कि आपके पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करवाता है या करवाती है, ये भी हो सकता है, ठीक है। जो कि आपको डिफेम करने की कोशिश करता है, ब्लेम लगाने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है, और आपके अपोजिट जेंडर का हो सकता है, ठीक है, तो ज़रूर ख्याल रखेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, तो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है। यहाँ पे मेल के लिए भी आ चुका है कि आपकी जो पर्सन होंगी वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगी, बहुत ब्यूटीफुल होंगी, बहुत अट्रैक्टिव होंगी, एंड केयरिंग कनेक्शन, दोनों के बीच में जो कनेक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होगा, ठीक है। तो देखिए आगे आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि जो भी आपसे जेलस फील करेंगे वो आपके ओपोजिट जेंडर के हो सकते हैं, ठीक है, ख्याल रखना है इस बात का। और ज़्यादा चांसेस यहाँ पे ये है कि आपके सेम जेंडर के हों, अगर आप मेल देख रहे हो तो मेल हो सकते हैं, फीमेल देख रही हो तो फीमेल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छा है, आपको ज़्यादा उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई न्यू पर्सन आपके अपोजिट जेंडर के हैं तो वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, और सेम जेंडर का है तो हो सकता है कि वो दुश्मन हो या फिर आपसे जेलस फील करता हो, ठीक है। एंड यहाँ पे एंजल ऑफ लव है, इट मीन्स कि एंजल ऑफ लव आपके साथ है हमेशा, आपके प्यार में कोई आँच नहीं आएगी, आप दोनों सेफ दिखाई पड़ रहे हो, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है, मैं कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगी, दो कार्ड्स और लूँगी इसके थ्रू। ओके देखिए आगे आने वाले टाइम में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा हीलिंग हो रही है, जो भी आपके चक्र हैं वो सारे चक्र भी हील हो रहे हैं, ठीक है। देन यहाँ पे एनजाइटी, मैंने आपको बताया ना कि जो भी एनजाइटी डिप्रेशन है वो आपके एनजाइटी डिप्रेशन ख़त्म होने वाले हैं, साथ साथ आपको थोड़ा संभल के भी रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो पर्सन है आपको थोड़ा बहुत एनजाइटी वगैरह दे सकता है, तो उसका ख्याल रखना है। वैसे यहाँ पे चांसेस है बहुत सारे लोगों के लिए 7 डेज के अंदर रिश्ता आ सकता है शादी का, एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है शादी के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। शादी फिक्स होने के चांसेस तो पूरे दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। 7 मंथ्स में भी शादी हो सकती है, जब आपका अभी शादी फिक्स होगा तो 7 मंथ्स लग सकता है। टेंपल पाथ, आपके जो पर्सन होंगे उनके साथ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, साथ साथ टेंपल पाथ से ये भी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आपको रेमेडीज़ वगैरह भी करने की ज़रूरत है अपने अर्ली मैरिज के लिए, ठीक है। तो मैरिज के लिए भी मैं रीडिंग ले आऊँगी, उसमें आपको रेमेडीज़ मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। तो ये सारे मैसेज हैं। देन टी लीफ क्या आपको कहना चाहता है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे। ओके यहाँ पे जैसे कि आपका फ्राइंग पैन है, फ्राइंग पैन ये बता रहा है कि ट्रबल, अभी बहुत ज़्यादा एन्जाइटी ट्रबल मैं देख पा रही हूँ आपके अंदर, ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपके जो ट्रबल है वो ख़त्म होंगे, ठीक है। देन इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे लव का, देखिए ट्रबल दिखाई दे रहा है आपके लव लाइफ में, हो सकता है कि वो लव लाइफ जिसके साथ आप जी रहे हो, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो,
ठीक है, कार्मिक रिलेशन हो सकता है, मैं देख पा रही हूँ, तो वो रिलेशनशिप ख़त्म होने के चांसेस हैं, ठीक है। और ऐसा लग रहा है न्यू जॉब, न्यू करियर, मतलब न्यू रिलेशनशिप शुरू हो सकता है, नया जॉब मिल सकता है, नया करियर मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे लोगों के लिए। दिन क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे है यू विल बी रिसीविंग और गिविंग प्रीशियस गिफ्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं से किसी से गिफ्ट वगैरह मिलने वाला है, वो जो गिफ्ट होगा काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस होगा, ठीक है। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप भी किसी को गिफ्ट दे रहे हो सकता है रिलेशनशिप में आ रहे हो, तो काफ़ी ज़्यादा प्यार बेशुमार हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ग्रेट और गुड फॉर्च्यून, फोर लीव क्लोवर, इसके थ्रू ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी होने वाला है। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकता है कि सितंबर के मंथ में भी मिले हो, ठीक है, वही आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, हाल फिलहाल में मतलब मिले हो, ठीक है। दिन क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए? ओके, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक, तो यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपसे जेलस फील करता है, ठीक है, ये चीज़ है। ओके, उनका बर्थडे जो है मार्च के टाइम में हो सकता है, ठीक है, या फिर दिसंबर के टाइम में हो सकता है, या फिर अक्टूबर के टाइम में, ठीक है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपसे जेलस फील कर रहा है, उससे आपको थोड़ा सा अपने आप को बचा के रखने की ज़रूरत है। फोर्स ओके वर्किंग अगेंस्ट यू, बार बार ये कार्ड आ रहा है, तो थोड़ा सा आपको बस संभल के रहने की ज़रूरत है, और हर तरफ आपको अवेयर भी रहना है कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि अपने इंट्यूशन को यूज़ कीजिएगा, ठीक है। मे बी आपके अगल बगल वो बुरे पर्सन हो सकते हैं, फ्रेंड में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि कोई फ्रेंड ऐसा हो सकता है जो कि आपसे जेलस फील करता है, जो कि आपको डिफेम करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। जिनका बर्थडे मैंने बताया अक्टूबर में हो सकता है, या फिर दिसंबर में, या फिर मार्च में, ठीक है। तो ये पर्सन से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। और अगर सितंबर में जिनका बर्थडे है या फिर आपको मिले हैं सितंबर में, तो वो बहुत लकी है आपके लिए, ठीक है। चाहे तो आप अपने पार्टनर से सब कुछ शेयर करके आप गाइडेंस ले सकते हो, या फिर मैं तो हूँ ही, आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है तो आप अपने इंट्यूशन को यूज़ करके काम कीजिए, या फिर कोई भी स्टेप लेने वाले हो लाइफ में तो आपको अपने इंट्यूशन को यूज़ करके करना है। मैरिज बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, यहाँ पे शादी होने के चांसेस हैं, एंड शादी फिक्स होते हुए दिखाई पड़ रहा है। ये भी हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपने लाइफ में, फाइनली ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब जाकर आपका मैरिज जो है फिक्स होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी इवेंट आपके लाइफ में होने वाले हैं वो आपके लाइफ को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। अफेक्ट बुरी तरह नहीं बल्कि अच्छी तरीके से, हैप्पीनेस, ठीक है। इट मीन्स ये पता चल रहा है कि जिसके साथ आपकी शादी होगी, मैरिज होगा, काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, कह सकते हैं कि फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, मतलब ये जो पर्सन होंगे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, सपोर्टिव होने की वजह से आपको बहुत कुछ करने को मिलेगा, चेंजेस होंगे आपके लाइफ में। कहा जा रहा है कि शादी के बाद आपका जो कनेक्शन होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग इमोशन होगा, पैशनेट लव होगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, उसके साथ साथ ग्रेट हैप्पीनेस का कार्ड आया है, ठीक है, हार्प का है, जो कि बताता है कि आपकी लाइफ में ग्रेट हैप्पीनेस आने वाला है, एंड गुड लक। गुड लक मतलब कि आपका जो भी प्रॉब्लम्स था और जो भी गुड लक प्रॉब्लम की वजह से रुका हुआ था, ऐसा दिखाई दे रहा है कि सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रहे हैं, तो गुड लक को रास्ता मिल रहा है, वो आपके तरफ आ रहे हैं, ठीक है। और ऐसा कहा जा रहा है कि आप लोग, कुछ लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पुराने चीज़ों में स्टक हो, ठीक है। कहा जा रहा है, गाइडेंस है, थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, मतलब आप जिस तरीके से ज़िंदगी को जी रहे हो, ठीक है, अगर बुरा है तो कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, सारा प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगा और आपके लाइफ में चेंजेस होंगे, मतलब आपको भी खुशियाँ मिलेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ कहा जा रहा है, और आप देख भी सकते हो यहाँ पे आपके लिए लव का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, और कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपको गिफ्ट्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा शेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है, बहुत ब्यूटीफुल इन्फॉर्मेशन है। थोड़ा सा ये था कि आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। कुछ छोटे छोटे कार्ड्स लेकर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि क्या हो सकता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। पहला कार्ड यहाँ पे आया है वो है ट्रैवल। देखिए, ट्रैवलिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो ट्रैवल करके आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि अगर आप सिंगल हो तो अपने करियर में
आप करियर को आगे बढ़ाने के लिए कहीं जा रहे हो, न्यू जॉब ज्वाइन करने के लिए, और काफ़ी इन्जॉयमेंट कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि पार्टनर के साथ होगे तभी इन्जॉय करोगे, आप अकेले रह के भी इन्जॉय कर सकते हो। तो यही चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। ट्रैवल के दौरान आप बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें सीख रहे हो, नए लोग मिल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश हो, ठीक है। यहाँ पे अचीवमेंट का कार्ड है, यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों को अचीवमेंट मिलने वाला है एंड हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होना ये भी एक क्या है, अचीवमेंट ही है ना, क्योंकि अगर हेल्थ ही अच्छा नहीं रहेगा तो बिल्कुल कुछ भी काम आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। देन क्या इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, यहाँ पे मेजर लाइफ चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ के, और ये जो टाइम है ये बिल्कुल सही टाइम है और इसी समय आपके लाइफ के मेजर लाइफ चेंजेस होंगे। न्यू लाइफस्टाइल आप जो है अडॉप्ट करने वाले हो, नया लोकेशन देख पा रही हूँ जहाँ पे आप बहुत इंजॉय कर रहे हो, नए लोग, अच्छे अच्छे लोग मिल रहे हैं और ट्रबल फ्री एग्जिस्टेंस, सारे ट्रबल ख़त्म भी हो रहे हैं, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि कोई बुरे पर्सन थे आपके लाइफ में जो कि आपको बहुत परेशान करते थे, तो वो आपके लाइफ से जा रहे हैं, ठीक है। सरप्राइज़, आपको कोई नया सरप्राइज़, ब्यूटीफुल सरप्राइज़ मिल सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आप डिसअपॉइंट थे, मतलब कोई काम आपका नहीं हुआ, आप सोचे कि अब तो ये काम होगा नहीं, लेकिन अचानक से आपको सरप्राइज़ मिलेगा कि हाँ आपका ये काम हो गया है। यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आप जो है अपने लव पार्टनर से मिलने वाले हो और प्यार बहुत ज़्यादा होगा, बेशुमार होगा, कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है, अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और आपको फील होता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम और अपने सोलमेट के साथ हो, तो आपका नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है, ठीक है, रिलेशनशिप। तो यहाँ जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। शुभ चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरे फैमिली का भी।